श्री कृष्णायन देशी गौरवशाला में एक बायोसिनर्जी यूनिट है जो विश्व की सर्वप्रथम बायोसिनर्जी यूनिट है जिसका बेस मटेरियल सिर्फ गाय का गोबर है और वहां से हम लगभग 1000 एकड़ में बायो फार्मिंग कर रहे हैं और किसानों की आय जो पहले थी इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। 1 एकड़ खेती में 16 से 20 क्विंटल गेहूं, लेकिन हमारे जो तो वहां पे किसान हैं वो उत्पादन कर रहे हैं 23 से 25 क्विंटल। सभी देश को आगे बढ़ाने वाले माताओं को बहनों को प्रणाम करता हूं। श्री कृष्णायन देशी गौरवशाला उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौरवशाला है जो 18,000 से ज्यादा देशी गौओं को लालन पालन करने का हमें सौभाग्य मिला है। इसके साथ ही श्री कृष्णायन देशी गौरवशाला में एक बायोसिनर्जी यूनिट है जो विश्व की सर्वप्रथम बायोसिनर्जी यूनिट है जिसका बेस मटेरियल सिर्फ गाय का गोबर है और वहां से हम लगभग 1000 एकड़ में बायो फार्मिंग कर रहे हैं और किसानों की आय जो पहले थी इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। 1 एकड़ खेती में 16 से 20 क्विंटल गेहूं होता है, लेकिन हमारे जो तो वहां पे किसान हैं वो उत्पादन कर रहे हैं 23 से 25 क्विंटल। आगे यहां से श्यामपुर से आगे बिजनौर तक बहुत सारी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का उपयोग होता है। हम लोगों ने निशुल्क और कुछ लागत मूल्य पे जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको हम उपलब्ध कराते हैं जिनसे उनके पूरे परिवार हमारे डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं वो बता रहे थे कैंसर की शुरुआत कहाँ से होती है। यूरिया पेस्टिसाइड जो हम खेतों में डाल रहे हैं उसी से शुरुआत की। हमने उसको खत्म कर दिया है और मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े और आसपास में ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ हमें सॉइल टेस्टिंग या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन श्री कृष्णायन देशी गौरवशाला से को मिले, ये हमारी डिमांड है। क्योंकि आसपास के भी छोटे छोटे किसान हैं उनको बहुत परेशानी होती है कि वो कहाँ से कराए कैसे कराए जो उसको सरलीकरण कैसे कर सकते। तो हमारे डॉक्टर साहब विराज मिश्र जी है उनसे भी